सरपंच के रिश्तेदार के द्वारा बाजार में अवैध वसूली। कोरोना वायरस के चलते नगर पंचायत रांका द्वारा नेशनल हाईवे रोड के पास मैदान में सब्जी बाजार का संचालन कराया जा रहा है और ये निःशुल्क है। इसके बावजूद नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से अवैध रूप से 25 रुपये प्रति व्यापारी राशि वसूली की जा रही है। सब्जी व्यापारियों द्वारा पैसे देने में मना करने तथा पैसे देने के एवज में रसीद मांगने पर अवैध रूप से वसूली करने वालों को धमकाते हुए पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे पूर्व बिना कोई रसीद दिए कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है। व्यापारियों के द्वारा विरोध व आक्रोश देखते ही बना। एक तरफ पूरा देश, राज्य, जिला, गांव, कस्बा सभी कोरोना महामारी के कहर से लोगों को बचाने पूरे देश में लॉकडाउन सहित धारा 144 का लागू कर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई, जिनका पालन कड़ाई से तो किया जा रहा है। वहीं लोगों के दैनिक खाद्य सामग्री के लिए एक नियत समय तक खोलने व निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं बेचने की सलाह दी गई। अधिक कीमत में बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की सख्त का निर्देश जारी किया। सभी दैनिक आवश्यक दुकानदारों को समझाइश भी दी गई। वहीं आम नागरिकों को कोरोना महामारी वायरस से अपनी जान बचाने की पड़ी है, मगर कुछ समाज के दुश्मन बनकर चंद पैसे कमाने के लिए कानून के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए हाट बाजार में लगाए सब्जी बेचने वाले से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जब रसीद मांगने जाने पर बाजार से भगा देने की धमकी सरपंच के गुंडे द्वारा दिया जाता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए दुकानदारों से अधिक राशि मनमानी तरीके से वसूली किया जा रहा है। सभी सब्जी दुकानदारों ने मौखिक शिकायत जिला कलेक्टर महोदय से किया गया तो उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी बात कही गई। सभी सब्जी व्यापारियों की मांग है कि इस तरह की अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। ये जानते हुए कि देश कोरोना वायरस के महामारी से देश जूझ रहा है और ज़रूरतमंदों को कई सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर भोजन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, एक तरफ अवैध वसूली करना कड़ी निंदनीय का विषय है। ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो आम नागरिकों का जीना दुर्भर हो जाएगा। सब नामी है, मैं बगल वाले गांव से यहां सब्जी के व्यापारी करता हूं। आज शुरू 10 साल हो गए मेरे को सब्जी बेचते हुए। ये कौन से गांव का मार्केट है? ये है रांका गांव का है। तो यहां पर किस तरीके से वसूली किया गया है उनके? यहां हर एक प्रति व्यक्ति से 25 रुपया वसूली किया गया है। अच्छा, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? ये मैं यहीं के नागरिक है, वो सरपंच जो बोला होगा वही वसूला होगा यहाँ। तो स्लिप कुछ दिया है क्या? लिखित स्लिप? कोई स्लिप नहीं है। तो आप लोग किस आधार में दिए उनके पास? भाई वो जैसे तगादा देते मांगते हैं उस प्रकार से हम लोग दे रहे हैं। भाई नहीं देंगे तो गाली गलौज करेगा हम लोगों से। यहाँ तक भी उतर जाते हैं है सर? हाँ, नहीं देते हैं, नहीं देंगे अगर पैसा तो बोलता है कि हमारे गाँव में मार्केट मत लगा। मुँह में फेंक के चले जाते पैसा। राहुल राम साहू। अच्छा साहू जी, हमें बताएं कि कौन सा गांव का बाजार? आज रांका का। अच्छा, तो किस तरीके की वसूली किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, कितना किया गया? 25 रुपए पंचायत से आया है वसूलने। तो वसूली पावती दिए आपको? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो उसके बारे में पूछे, हमको रसीद नहीं दे रहे, फिर क्यों पैसे देंगे? सब लोग दिए हैं साहब, तो हम भी दे दिए। अच्छा, बुधवार को भी वसूला गया है 25 रुपए की दर से, आज भी वसूला गया है। अच्छा अच्छा, और शुक्रवार को कठियम भी वसूला गया है 25 रुपए की दर से। अच्छा अच्छा, इस तरीके की एक तरफ सरकार जो है निर्देश जारी कर रहा है कि किसी से कर टैक्स वसूल नहीं करना है करके, वहीं जो वसूल किया गया इनका विरोध किए कि नहीं किया? जब उनके बाद अब हम एक आदमी बोलेंगे क्या होगा, कोई तो बोलने वाला नहीं है ना यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरीके से वसूली किया गया है, सरकार कहता है कि हम टैक्स नहीं लेंगे करके, और जो ले रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वो पैसा ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में आपने पूछे हैं? नहीं पूछे साहब हम लोग, अब हम एक आदमी का पूछेंगे? सब लोग दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। मारकंडे है, ग्राम बाका का रहने वाला हूँ। मेरे घर के पास एयरटेल का टावर लगा हुआ है। वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ और मैं टमाटर 20 का 1.25 किलो बेचने आया था, जैसे कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है उसी तरह उसी के कीमत में मैं सामान बेचना चाहता हूँ और बेच रहा हूँ, और वैन में लाया हूँ सस्ते दर में बेचने के लिए। तो मेरे से 200 रुपये वसूल किया जा रहा था। कौन वसूल किया है? यहाँ के जो सरपंच है वो वसूल करवा रहा है। किसके माध्यम से? ये उनके भाचा है। क्या नाम? मंजीत कुमार कोसले। कितना रुपये लिया है आपसे? मैं 100 रुपये दिया तो बोला कि क्या चीज़ का ले रहा हूँ ऐसे करके। हाँ। तो मेरे को 75 रुपये वापस किया है। अच्छा। जब बहसबाजी किया हूँ तो कितना रुपया लिया मतलब आपसे? मेरे से 25 रुपये आज काटा है। तो कुछ स्लिप दिए हैं आपको? कुछ भी नहीं दिया है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। राहत कोष में इसका पैसा जाएगा।
ऐसा करके बोले। तो प्रति बाजार इस प्रकार से साप्ताहिक बाजार होता है उसमें लेते हैं क्या? हाँ, हर बाजार को लेते हैं। अच्छा, तो घोषणा किए उससे पहले कि हम लोग इतना देंगे तो मालूम नहीं है, ये तो मालूम नहीं है पंचायत में क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सस्ते में बेचना चाहते हैं और गरीब स्तर के सब लोगों तक हमारा सामान पहुंच पाए, यही चाह रहे हैं। ग्राम राकर निवासी हूँ। किस तरीके की अवैध वसूली ग्राम पंचायत के द्वारा की जा रही है? मेरे को ऊपर से की ये जानकारी हुआ कि कोई भी ये लॉकडाउन के चलते कोई भी टैक्स वसूल नहीं किए जा सकते हैं जी। हाँ। तो मेरे को जैसे ही पता चला मैं मार्केट में अपने पापा जी के पास पहुंचा। मेरे यहाँ पापा जी सब्जी का व्यापार करते हैं करीबन 15 से 20 साल पहले। तो मैं जैसे ही आया सबके पास वसूल चुके थे, मैं सबको मना किया हूँ, उसके बावजूद वहाँ यहाँ अवैध वसूली किया गया। मेरे पापा जी के पास आया गया, उससे मैं नहीं देने के लिए मना किया हूँ, उसके बावजूद जो उसमें साथ में आए थे तीन से चार व्यक्ति थे, सरपंच की प्रतिनिधि थे, एक तो तुलसी यादव था, वो खुद मेरे ऊपर इतना दबाव डाला है कि तुम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। मैं उनसे बोला ये कौन से नियम के तहत आप वसूली कर रहे हो? तो बोलते हैं यहाँ कोई नियम नहीं है, तो कोई अवैध वसूली नहीं कर सकता, जबकि ये शुरू से चल रहा है बीजेपी के शासनकाल से। मैं बोल रहा हूँ 15 साल चल रहा था, 15 रुपए चल यहाँ का वसूली था, 15 से 20 किया गया, 20 से 25 किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जब ये मार्च से बाजार ठेका बंद ही हो गया है तो अवैध वसूली अभी क्यों किया जा रहा है? किस तरीके से आपके साथ वसूली किया और क्या धमकी कुछ दी है बता रहे थे? मेरे को बोलते हैं गांव में मार्केट क्यों बैठे हो फिर वसूली नहीं दे रहे हो, तो सीधा बोलते हैं मार्केट ही मत बैठो, बाजार मत करो बोलते हैं। जो धमकी देने वाली जो बात की क्या बात की? वो बोलते हैं तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, तुम अपने आप को होशियार समझते हो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए।